हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अनीता आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू वीडियो में। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ दोपहर के टाइम पे। सुबह घर में काफी काम हो गया था क्योंकि दीपावली के बाद घर में जो अस्त व्यस्त हुआ रहता है उसको समेटना भी पड़ता है। दीपावली के आते ही हमें सजावट करने में जितनी खुशी होती है, लास्ट में उसको रिमूव करने में उतना ही दुख होता है। तो आज सुबह से वही काम किया है और अब जाती हूँ मैं छत पे, क्योंकि वहां मैंने गेहूं डाले हुए हैं और उनको थोड़ी छान के फिर उसको गेहूं पिसवाने देंगे। और आज छत से निकालने हैं लाइट। मोमटी के छत में मैं जा नहीं पाती हूँ, बच्चे आएंगे फिर बच्चे लाइट निकालेंगे फिर हम। मौसम की बात की जाए तो आज मौसम बड़ा धुंध भरा हुआ है, क्योंकि जैसी सर्दियों की शुरुआत होती है तो धूप काफ़ी हल्की हो जाती है, चारों तरफ धुंध सी छा जाती है। तो बादल भी लगे हुए हैं हल्के फुल्के आसमान में, तो पता नहीं बारिश आएगी या क्या होगा, वो तो बाद ही में पता चलता है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। तो अब करते हैं अपना आगे का काम। यहाँ पे मैंने गेहूँ साफ करके फैला दिए हैं। टाइम काफ़ी हो चुका है और बच्चों का आने का टाइम भी हो गया। यहाँ से खिड़की बनाने का एक फ़ायदा ये भी है कि सर्दियों में धूप अंदर ही आ जाएगी, क्योंकि अभी भी धूप आई हुई है कमरे में, तो हमें धूप सेकने छत में नहीं जाना पड़ेगा, यहीं हम धूप सेक लेंगे। और पहले हम और थोड़ी देर पहले काफ़ी बादल लगे हुए थे और धूप भी अच्छी नहीं आई थी, और अभी काफ़ी अच्छी धूप आ चुकी है और बच्चे आ गए। यहाँ पे एक बटरफ्लाई जिज्ञासा पे लग गया है। जिज्ञासा बटरफ्लाई से भी रो रही है, इतना डर रही है। इतना तो जिज्ञासा तब नहीं रोई जब जिज्ञासा के मुंह पे गरम प्रेस लगी, लेकिन बटरफ्लाई से जिज्ञासा इतना ज्यादा रो गई। क्यों डर लगती है? क्यों डरी बटरफ्लाई से इतना? तो कल जिज्ञासा के मुंह पे लग गया प्रेस, बेचारी का खूबसूरत मुंह हो गया खराब। जिज्ञासा दर्द कितनी हो रही? नहीं हो रही, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीजें होती जाती है। हकीकत में जिज्ञासा को दर्द पता नहीं, बताती नहीं है, या इसको दर्द उतना होता नहीं है, ज्यादा रोई तो नहीं है। अभी बटरफ्लाई इसके कंधे पे गई तो तब तो ये बहुत रोई, लेकिन इसका मुंह चला ये इतना नहीं रोई जितना बटरफ्लाई के इसके कंधे पे आने पे रोई है। और यहाँ पे आ गया है यस, तो यस भी मॉर्निंग नहीं इवनिंग वॉक के लिए निकला है। यस ने भी हमारे साथ दो चार शॉर्ट्स यस ने भी बना दिए। हमारा खाना हो चुका है और मैंने किचन की भी सफाई कर ली है, बच्चे भी सब सो चुके हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अनीता मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।